ऑडियो नमस्कार प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाविका पाठक व्लॉग्स में। और आप सभी को नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दगड़ियों। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब मज़े से आप लोगों का ये साल बीते। अभी शुरू ही नहीं हुआ, मैंने बीतने की बात कर ली तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ठीक है? मुझे भी दे देना कमेंट बॉक्स में। और मुझे पता है आप लोग कहोगे, तो उसके लिए मैं एडवांस में ही आपको थैंक यू भी बोल देती हूँ। और तो दगड़ियों, आज है 1/1/2024। अब मुझसे ना कितनी जगह मिस्टेक भी होगी 2023। अभी मैंने व्लॉग में लिखूंगी ना 365 डेज डेली व्लॉग चैलेंज, उसमें 2024 करना पड़ेगा अब मेरे को। आज तक 23 ऐसा होता है ना, शुरू शुरू में 23 की आदत हुई रहती है। तो अभी आज 365 डेज डेली व्लॉग चैलेंज का, जिसको अगर नहीं बताया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ दगड़ियों। मैंने 11 अक्टूबर 2023 से डेली व्लॉग डालने का शुरू किया है। वैसे तो मुझे 2.5 साल हो गए हैं व्लॉग बनाते हुए, बट मैं पहले एक एक दिन छोड़ के व्लॉग डालती थी या 3-4 दिन में भी हो जाता था। बट मैंने इस बार से प्रण लिया है कि मैं 1 साल तक डेली व्लॉग अपलोड करूँगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के। तो आज है 73वां व्लॉग है मेरा आज ये। होपफुली अभी तक बहुत सब अच्छा जा रहा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 हो गया दगड़ियों। और अभी ना नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पीठा मीठा सब कुछ लगा रखा है, क्योंकि नया वर्ष है। तो नए वर्ष में हो जाता है थोड़ा सा क्या कहते हैं, नहाना धोना, फिर पूजा पाठ वगैरह भी। आज से कहते हैं ना, आज के दिन जो जो करोगे पूरा साल वैसे ही बीतता है करके, ऐसा हमारे घर में कहते हैं, आपके घर में भी कहती होंगी मम्मी लोग। तो मैंने कहा कि मतलब मैं हर साल ही करती हूँ वैसे तो पूजा पाठ, जो भी तीज त्यौहार होता है करनी चाहिए दगड़ियों। भगवान जी हैं, सब कुछ हैं, जो भी हैं। तो अभी मैं फिलहाल अब बनाते हैं नाश्ता। मैं एक ही बारे में कितना सब कुछ बोल देती हूँ ना बिना रुके, हाथ भी थक गया दगड़ियों मेरा। तो अभी अब मैं बनाती हूँ नाश्ता, तो चलिए फिर देखते हैं क्या खाती हूँ नाश्ता में। तो चलिए। और हाँ दगड़ियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, और अगर आपने मेरा 31st वाला व्लॉग नहीं देखा है, उसमें मैंने बोला था, और मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला हुआ है दगड़ियों, मैं बहुत जल्द अपने इसमें मतलब चैनल पे Q&A वीडियो लाने वाली हूँ। 2.5 साल में मैंने अभी तक एक भी Q&A नहीं बनाया है। तो आप लोग जो लोग मेरे को देखते हो, पहले क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोलना होता है, हाँ कि मतलब आप लोगों को अगर कोई सवाल है मुझसे मेरे बारे में पूछने का, तो आप लोग मुझसे पूछना, इसमें भी पूछ सकते हो, कमेंट कर देना इस व्लॉग में भी कि मतलब कुछ जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके सारे सवालों के मैं जवाब दूंगी। तो जल्दी जल्दी पूछो। तो दगड़ियों, ब्रेकफास्ट में है आज नए साल में हम खा रहे हैं हरी सब्जी, यानी कि यह है लाई के पत्तों की सब्जी, और इसमें है आलू और घी लगी हुई रोटी। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, नए साल का नाश्ता, काफ़ी हेल्दी। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दगड़ियों, अब मेरे नन्हे नन्हे कदम जा रहे हैं अभी नीचे घर की ओर। अब मैं नीचे घर भी बधाई देने जा रही हूँ इज्जा बब्बा, छोटी अम्मा और हिमाचा लोगों को। तो चलिए चलते हैं और एक बार आपको नए साल का पुराना मौसम भी दिखा देते हैं, मतलब मौसम वही है दगड़ियों। नए साल में भी कुछ होना चाहिए ना नेचर में चेंजेस कुछ, ताकि लगे कि हाँ नया साल है। चलिए आगे से जाएँ, यहाँ से जाएँ, कहाँ से जाएँ, चलो आगे से ही चलते हैं, यहाँ से चले, यहीं से चलते हैं। अभी मेरे को जर्किन भी लाई हूँ ना मैं, धारे जाऊँगी पानी भरने। तो दगड़ियों देखो, आप धवड़ा धवड़ा कम करो थोड़ी। तो दगड़ियों देखो, नए साल के अवसर पे कितना अच्छा खाना यहाँ खाने को मिल रहा है आज नीचे घर। दगड़ियों देखो, मेरी दावत हो रखी है, ये है, आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है बता देती हूँ, झोई भात, और ये है भट्टी दगड़ियों। वाओ, इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही हो सकती है, पहाड़ का बहुत ही क्या कहते हैं उसको, प्रसिद्ध खाना। ये देखिए, मेरा तो मन खुश हो गया, चलिए अब इसको खाते हैं। चलो दगड़ियों आ करो। मजा आ गया दगड़ियों,
ज्यादा बन रखा है खाने के लिए आदमी का। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ यार भट्टी बाग। कबाब बनाया था हमने एक दिन। तो गाड़ी भट्टी बाग को जब तक ऐसे ना खाना बताती हूँ पहले मजा नहीं आता है, ऐसे थपड़क थपड़क करने में मजा आता है। अभी मम्मी होती तो मेरे को डांटती भी बहुत। नहीं सर तो सोना की मम्मी है दगड़ियो। इतने बाल लग गए दगड़ियो। जो आप मेरी बिल्ली थी ना सोना, ये उसकी मम्मी थी दगड़ियो। अब इसके जल्दी जल्दी बच्चे होते तो एक सोना और मांग रही हूँ मैं, इसके बच्चे भी नहीं हो रहे दगड़ियो। तो दगड़ियो उई जा घाम चावत है मुख में घाम लग रहा काफी जा। तो दगड़ियो खा पी के मैं आ चुकी हूँ घर। खा पी के मैं आ चुकी हूँ घर। और दगड़ियो आज मैं आपको हमारे संतरे का पेड़ दिखाती हूँ। मतलब ये संतरा मैंने एक व्लॉग में और बोला था और बताती थी बोला थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अब ये पकने स्टार्ट हुए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ और काफ़ी अच्छे हो रहे। कल मैंने एक दाना खाया, पहले तो ये बहुत ज़्यादा खट्टे हो रहे थे, अब ये बहुत अच्छे हो गए खाने लायक। मैंने डंडा कहाँ फेंका होगा, फिर अब यहाँ से डंडे से तोड़ने लकारी हो रहे हैं दगड़ियो, पहुँचने लकारी नहीं हो रहे। अरे संतरे का पेड़ ये लगे, इसमें संतरे अभी बहुत लोगों ने तोड़ भी दिए हैं दगड़ियों। बहुत फल आया था इस वाली टहनी में तो, बट ये रोड में ही रखे ना, देखो यहाँ पे रोड है तो काफ़ी लोग खुद से भी तोड़ ले रहे हैं, काफ़ी मांग भी ले रहे हैं। आज तक ये खाने के लायक ही नहीं हो रहा था, अब मैंने कल एक दाना चखा तो अब ये अच्छे हो रहे हैं खाने में। तो मैं सोच रही हूँ दो दाने तोड़ती हूँ, ठीक है। यहाँ डंडा था कहीं, कहाँ गया होगा। दगड़ियो ये है दाने, ये मैंने नहीं तोड़े हैं, ये मैंने कहा ना दगड़ियो आपसे हमारे रोड का पेड़ रखा है, ये मेरे को नीचे गिरे हुए मिले। देखो ये ऐसे तोड़ रखे हैं, टहनी समेत तोड़ रखे हैं, मेरे को नीचे गिरे हुए मिले। अब पेड़ से टूटता तो ऐसे थोड़ी ना टूटता ना, पेड़ से तो ऐसे बिना टहनी के गिरते हैं ऐसे करके। ये देखो ऐसे टहनी की तोड़ रखे हैं ये। अब चलो इनको खाती हूँ मैं। तो दगड़ियो आज के लिए बस अभी के लिए इतना ही। मैं जानती हूँ बहुत छोटे छोटे व्लॉग्स बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी दिनों बाद, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आपके जो जो सवाल हैं वो ज़रूर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो बहुत जल्द Q&A वीडियो भी आ जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल अपने नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।